आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ द क्वेश्चन इज मिनरल्स एसेंशियल फॉर नर्व इंपल्स प्रोपेगेशन आर कैल्शियम एंड सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन एंड पोटेशियम कैल्शियम एंड सल्फर तो जो हमारे मिनरल्स असेंशियल है नर्व एम्पल्स के प्रोपेगेशन के लिए वो कौन से होंगे ओके okay. तो नर्व एम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसके लिए मेनली जो न्यूरॉन्स का एक्सोनल रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल है वहां से जो नर्व एम्पल्स हैं वो कंडक्ट होती हैं तो न्यूरॉन्स हमारी एक्साइटेबल सेल्स हैं मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की ओके okay, तो यहाँ पर हमारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं अब रेस्टिंग स्टेट वो स्टेट जहाँ पे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होगा ओके okay, तो इस स्टेट में क्या कंडीशन होंगी एक्जोनल मेम्ब्रेन की वो देखेंगे तो व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स इट मींस रेस्टिंग स्टेट द एक्जोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमबल टू पोटेशियम आयन तो इस कंडीशन में जो हमारी एक्जोनल मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल होती है बट सोडियम आयन के लिए इम होती है और उसके साथ साथ ये इम होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो कि मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होती हैं तो इसीलिए जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है वो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है नेगेटिव होता है तो इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा और आउटसाइड जो चार्ज होगा वो है पॉजिटिव चार्ज तो ये हमारी क्या है पोलराइज मेम्ब्रेन है और ये हमारी रेस्टिंग स्टेट है रेस्टिंग स्टेट ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब नव इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होगा अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं नर्व इम्पल्स के कंडक्शन की तो सपोज यहाँ पर हमने ए साइड पे स्टूमुलिस को अप्लाई किया है ओके okay. तो जैसे ही हम स्ट्यूबलिस को अप्लाई करते हैं व्हेन अ स्ट्यूबलेस इज अप्लाइड एट अ साइट जो यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया है अ पोलराइज मेम्ब्रेन तो जो मेम्ब्रेन यहाँ पे पोटेशियम आयन के लिए इम्परमिएबल थी अब वो सॉरी जो पे सोडियम सोडियम आयन आयन के के लिए लिए थी वो अब परमिएबल हो जाएगी तो जल्दी जल्दी जो सोडियम आयन है वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर जाएंगे स्टिमुलस को अप्लाई करने के बाद तो अब पॉजिटिव चार्ज लार्ज अमाउंट में अंदर जाएगा तो इसीलिए जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है अब वो पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड नेगेटिव हो जाएगा तो चार्ज रिवर्स हो गया है और ये हमारी मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी डीपोलराइज मेम्ब्रेन। तो अब मेम्ब्रेन क्या हो गई है डीपोलराइज हो गई है ओके okay, पहले पोलराइज थी अब डीपोलराइज हो गई है और इसी तरह से लेकिन ये जो परमेबिलिटी होती है सोडियम आयन की ये बहुत ही कम समय के लिए होती है इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम तो अगेन ये मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमेबल हो जाती है और इस तरह से ये अपने नेगेटिव चार्ज को रिस्टोर कर लेती है तो इस तरह से नव इम्पल्स का कंडक्शन होता है तो जो मेन आयन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम इजिली बता सकते हैं सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो रोल प्ले करते हैं ओके okay? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर